नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर कोई चोट या मोच हमें लग जाए जिसमें कि कोई घाव नहीं हो यानी कि कोई अंदरूनी चोट हो तो हमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपनी चोट या मोच को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएं और भविष्य में भी हमें उस चोट या मोच की वजह से कोई तकलीफ नहीं आए। अगर आपको ये जानना है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन वीडियो में। और आज इस वीडियो में एक सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं आपको समझाने जा रहा हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी चोट व मोच को जल्दी से जल्दी ठीक करने में कामयाब होंगे। और इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है और वो वर्ड है प्राइस। आप इस वर्ड को याद रख के पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सिंपली याद रख सकते हैं, इसलिए हमें इस वर्ड को याद रखना है। प्राइस शब्द का सबसे पहला जो लेटर है वो है पी, और यहाँ पे पी इंडिकेट करता है प्रोटेक्शन को, यानी कि अगर हमें कोई चोट या मोच लग जाए तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है ताकि उस पे स्ट्रेस नहीं आए और उसकी हीलिंग प्रोसेस इंटरप्ट नहीं हो। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कोई कुम्हार मटका बनाता है तो जब तक वो कच्चा होता है उसमें पानी नहीं ठहरता है, लेकिन जब उसको पकाया जाता है तो वो मजबूत हो जाता है और उसमें पानी ठहरने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब तक हमारी चोट व मोच है, जब तक वो कम्प्लीटली हील नहीं हो जाती उस पर हमें स्ट्रेस नहीं डालना। प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार हमारी चोट व मोच को इमोबिलाइज किया जाता है, उसके लिए उस पर प्लास्टर लगाया जाता है। कई बार जब हमारे पैर में चोट या मोच आती है तो हमें वॉकिंग एड्स भी यूज करने पड़ते हैं ताकि हमारी चोट व मोच पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आए। कई बार जब हमारी गर्दन में चोट आती है तो हमें सर्वाइकल कॉलर यूज करना पड़ता है। अगर हमारी कमर में चोट आती है तो हमें लंबो सैक्रल बेल्ट यूज करना पड़ता है। अगर हमारे कंधे में चोट आती है तो उसके लिए हमें आर्म स्लिंग यूज करना पड़ता है। अगर हमारे एंकल में चोट आती है तो हमें एंकल बाइंडर यूज करना पड़ता है। और हम ये सब चीजें इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो इंजर्ड टिश्यू है वो प्रोटेक्ट हो और हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट नहीं हो। प्राइस शब्द का जो सेकेंड लेटर है वो है आर, और यहाँ पे आर इंडिकेट करता है रेस्ट को, यानी किसी भी पार्ट में अगर हमारे को चोट में मोच आ जाए तो बॉडी के उस पार्ट को हमें थोड़े समय के लिए आराम देना चाहिए ताकि उस पार्ट की जो हीलिंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट नहीं हो, वो डिस्टर्ब नहीं हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। प्राइस शब्द का जो तीसरा लेटर है वो है फ्रेंड्स आई, और यहाँ पे आई इंडिकेट करता है आइस मसाज को, यानी हमें जिस भी पार्ट में चोट पर मोच लगी है उस पर 5 से 15 मिनट आइस मसाज करनी चाहिए ताकि हमारा जो पेन है, स्वेलिंग है, वो इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। आइस का एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है जिससे हमारा दर्द कम होता है, और आइस मसाज का हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट होता है जिससे हमारी स्वेलिंग भी कम होती है और हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होती है। प्राइस शब्द का जो चौथा लेटर है वो है सी, और यहाँ पे सी इंडिकेट करता है कंप्रेशन को, यानी हमें जिस भी पार्ट में चोट पर मोच आई है उस पर हमें कंप्रेशन बनाना है, यानी कि दबाव बनाना है। और यहाँ दबाव बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसको दबाना है, यहाँ दबाव बनाने का मतलब है कि हमें उस पर कंप्रेशन बैंडेज लगानी है ताकि उस पार्ट की जो सूजन है वो कम हो सके। और अगर हमारी उस पार्ट की सूजन कम होगी तो उस पार्ट में दर्द भी कम होगा, और कंप्रेशन बैंडेज को हम क्रिप बैंडेज भी बोलते हैं। बात करते हैं कि क्रिप बैंडेज बांधते कैसे, तो उसका सही तरीका ये है, उसमें पहली बात तो ध्यान ये रखनी है फ्रेंड्स कि क्रिप बैंडेज हमेशा हाथ व पैर की चोट या मोच पे ही हम काम में लेते हैं, और क्रिप बैंडेज बांधने के लिए हमें उसको डिस्टली बांधना शुरू करना है, यानी कि हमें नीचे से बांधना शुरू करना है और धीरे धीरे उसको बांधते हुए हमें ऊपर लेके जाना है। यानी कि अगर हम हाथ में क्रिप बैंडेज बांध रहे हैं तो हम हाथ के पंजे से शुरू करेंगे, और पैर में अगर क्रिप बैंडेज बांध रहे हैं तो पैर के पंजे की तरफ से हम शुरू करेंगे। हम बैंडेज बांधना शुरू करें तो जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ जहाँ से हम बांधना शुरू करें वहाँ पे प्रेशर हमें ज़्यादा रखना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर बांधते जाएं बैंडेज को तो प्रेशर को हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, यानी कि हम वीनस ड्रेनेज के डायरेक्शन में प्रेशर कम करते जाएंगे। हम बैंडेज जो बांध रहे हैं वो ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ढीली हो, यानी कि जो हम बैंडेज बांध रहे हैं वो कंफर्टेबली। प्राइस शब्द का जो आखिरी लेटर है वो है फ्रेंड्स ई, और यहाँ पे ई इंडिकेट करता है इलिवेशन को, मतलब हमें जिस भी पार्ट में चोट में मोच आई है उसे हमें इलिवेट करके रखना है, यानी कि ऊंचा रखना है। अगर हमारे पैर में चोट आई है तो हमें हमारे पैर को ज्यादा देर तक लटकाकर नहीं बैठना चाहिए, और जब भी हम सोए तो हम हमारे पैर के नीचे भी तकिया लगाकर सोए ताकि वो हमारी बॉडी से ऊपर रहे
और ब्लड सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहे। अगर हमारे हाथ में चोट लगी है तो उसे भी हमें लटकाकर नहीं रखना चाहिए, उसे भी हम आर्म स्ट्रिंग में चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे उस पार्ट की जो सूजन है वो कम होती है और इंफ्लामेशन भी कम होता है और दर्द भी कम होता है। बात आती है फ्रेंड्स कि हमारे को जिस भी पार्ट में चोट पर मोच लगी है वहाँ पे हमें मसाज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हमारी चोट पर मोच है एक बिल्डिंग मेकिंग प्रोसेस है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो वो प्रोसेस है, जब हम मसाज करते हैं तो हम उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी हमारी चोट पर मोच पर मसाज नहीं करनी चाहिए। जब भी हम उसके ऊपर कोई जेल या स्प्रे हम लगाएं तो उसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमको लगाना है ताकि जो हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं हो। कई बार मसाज करने से एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन भी हो जाता है, इसलिए हमें कभी भी मसाज नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू।